आज शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग्स द ब्रांड न्यू व्लॉग्स। आज आपको ये बोल रहे हैं, अफ्तारी में तो हम खाते हैं दही बड़े, शहरी में हम खाते हैं छोले, दही बड़े छोले, दही बड़े छोले, दही बड़े छोले। अरे कहना क्या चाहते हो? लाल कल की क्या एक्टिविटीज है तुम्हारी? जी कल हम लोग आज कल हम लोग मैं बैठने वाला था इत्तेकाफ में, ठीक है, तो मेरे वालिद साहब ने मना कर दिया, तो इसलिए मैं बैठ नहीं पाया। पर हमारे जो दादा है, ग्रैंडफादर, वो कल इत्तेकाफ में बैठेंगे और कल हम उनको छोड़ने भी जाएंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे। मैं पतंग उड़ाता हूँ, मेरे को पतंग उड़ाने का शौक भी है, इसलिए जो मैंने अभी हादसा हुए मैंने वो सुने तो मैंने पतंग उड़ाना छोड़ दिए। आप लोग भी अपने बच्चों को ये सिखाएं कि पतंग उड़ाना छोड़ दें, अपनी जितनी चीज़ें हैं पतंग वगैरह फाड़ के फेंक दें, अपनी मांझी की चरखियों को उठाकर जला दें या फेंक दें। तो मैं ये कहना चाहूँगा मैंने तो पतंग उड़ाना छोड़ दिए, और अपने बच्चों को सेफ रखें। तो नाज़रीन आजकल मौसम कराची में बहुत अच्छा चल रहा है, और क्या कहते हैं शहरी के अंदर भी जब अजान होती है तो फिर ठंडी ठंडी हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग मेरे को बताएं आप लोगों ने कितने रोज़े रखे? मैंने तो माशाल्लाह से सारे रोज़े रखे, और आप लोग बताएं आप लोगों ने कितने रोज़े रखे? और मैं यही चाहता हूँ कि एक भी रोज़ा ना छूटे और सारे रोज़े रखें आप लोग भी, और मैं भी सारे रोज़े रखता हूँ, और नमाज़ें पूरी पढ़ें पाँचों वक्त। अल्लाह ताला की वजह से हम लोग को सारे अल्लाह के करम से इस साल हमें बहुत ठंडे रोज़े मिले हैं। A few moments later. नाज़रीन आज अशरा है मकफरत का आखिरी रोज़ा है, और हमारे घर से हमारे वालिद साहब एहतिकाफ में बैठ चुके हैं, और यहाँ चल रहा है मदनी चैनल, और दुआ का वक्त है, अफ्तारी का भी वो टाइम होने वाला है, टाइम देख लेते हैं। ये 6:41 हो चुके हैं और यहाँ पर अफ्तारी मौजूद है, क्योंकि मुख्तसर कर दी है अफ्तारी, क्योंकि ज़्यादा खाया नहीं जा रहा, इसी वजह से कि अफ्तारी मुख्तसर कर दी है। बाकी इसके अलावा छोले भी मौजूद हैं, और दुआ का वक्त है, आप सब दुआ करें। अच्छा मफरत जा रहा है, फिर मिलेगी ये शब किस को मालूम है, कैसी रौनक पैसा आज की रात है। ठीक है समरिया। अच्छा जी व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बाहर निकले हैं आउटिंग के लिए, और ये जो है हमारे मलीर का ही इलाका है, बाहर हम लोग नहीं गए। इरादा तो हमारा यही था कि हम लोग बाहर जो है मलीर से थोड़ा बाहर जाएं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि रोज़े के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, जितने काम वगैरह होते हैं सब रोज़े से पहले ही कर लें तो फिर वो हो जाते हैं, रोज़े के बाद तो ऐसा लगता है कि दोबारा रोज़ा रख लिया हो, तो इस वजह से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। अब ये बाहर लेकर आ गए और हमें नहीं पता कि कहाँ लेकर जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ के जा रहे हैं। अच्छा जी वीवर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बर्गर वाले के पास लेकर आ गए थे, हम लोगों को बर्गर वाले की दुकान नज़र आ गई, और हम लोग यहाँ पे जो है बर्गर लेने के लिए खड़े हो गए। यहाँ पे बर्गर बनाते हुए आप लोग देख सकते हैं, बहुत मज़े का, बहुत स्पाइसी सा बर्गर होता है इनका, और बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ होता है यहाँ पर, तकरीबन आधा घंटा लग जाता है, उसके बाद जो है हमें बर्गर मिलता है, और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत स्पाइसी। आजकल रमज़ान में हर जगह जो है मार्केटों में खाने पीने में हर जगह बहुत ज़्यादा रश है जी। वर्स आप देख सकते हैं इस टाइम रात का 1 बज रहा है, इस टाइम जो है हमें भूख लग रही है, हम लोग बाहर बर्गर खाने आए हैं, और कुछ बोलेंगे आप? क्या बोलूँगा, मुझे लोगों ने बहुत, चलो भाई देखो अब मैं क्या करूँ, घुमाया, ठीक है, मैं यहाँ से कायदाबाद जा रहा था, बंसोड़ जा रहा था, मुझे लोगों ने जाने नहीं दिया, क्यों कि कंटेनर आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, ये जाओ ये हूँ, फिर मैंने कहा चलो बताओ की तरफ चलते हैं, वहाँ पर कुछ खाकर आ जाएंगे, पर इन्होंने भी जाने दिया वहाँ, तो इस वजह से मेरे को यही मदीर में जन्नत बर्गर खा रहा हूँ बैठ। और यहाँ पे जो है आपका रिस्क लिखा था, तो इसलिए आपको यहाँ आना पड़ा। हम आज बर्गर खा रहे हैं, आप लोग ये देख सकते हैं, ये तरबूज है, ये वाला ये नया तरबूज है, ये भी नया तरबूज है, पका हुआ है, और ये वाले तो सबको ही पता है ये कौन से तरबूज है, सिंपल नॉर्मल वाले, ये आप लोग देख रहे हैं।
ये नाशपाती है, इसको ऐसे पैक किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये अंगूर है, आप देख होंगे, स्ट्रॉबेरी है, वहाँ पर कीवी वगैरह है, और ये तरबूज है। और फिर यहाँ पे जो है हमें फ्रूट वाले की शॉप नज़र आई थी, और यहाँ पे जो है वो बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ था, तो हमने सोचा चलो इससे कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। और यहाँ पे हम फ्रूट वगैरह मालूम कर रहे थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये तरबूज थे, तरबूज की जो है वो तीन किस्म के जो है तरबूज थे, वो आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, और तीनों किस्म के जो है अलग अलग तरबूज थे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इन लोगों की मार्केट, और इन लोगों की जो शॉप थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग पूछते थे, लेकिन के रेट बहुत ज़्यादा थे, तो हम लोगों ने कुछ लिए नहीं। ये एयरपोर्ट का साइट है, और यहाँ के जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो फिर हमने सिर्फ मालूम ही किए। और बहुत फ्रेश फ्रूट थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये नाशपाती थी, इस तरीके से कवर करके इन्होंने नाशपाती रखी हुई थी। ये वाले अंगूर इतने मजे के होते हैं। ये अंगूर थोड़ी ही कुछ हो रही है। ये अंगूर है, ये क्या है? नाशपाती है, नाशपाती। हाँ भाई, सीधा तुम मुझे दिखाओ और बोलो ना भी हम यहाँ पर आए नहीं आए, छोटी वीडियो बनाओ, इसमें बहुत होता है इसमें ना। A few moments later. जी फिर हम बाहर से जो है आते हुए जो है एक बेकरी पे चले गए थे, एक बेकरी नज़र आ गई थी मॉडल में जो है, एक बहुत अच्छी सी बेकरी है। अगर आप लोगों में से किसी का भी कभी मिली मॉडल में आना हो, तो वहाँ पे एक प्रिंस बेकरी है, बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेश चीज़ें वहाँ से मिलती है। और वहाँ से हम जो जब भी हम उस तरफ जाते हैं, तो उस बेकरी पर ज़रूर जाते हैं, और वहाँ की जो है हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेश मिलती है, चाहे वहाँ के कबाब हो, पराठा हो, वहाँ पर मतलब फ्रीज़ जो है कबाब रखे हुए होते हैं फ्रीज़ करके, और पराठे वगैरह वो तो खैर हम नहीं लेते, लेकिन हम ये चिप्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है हम ले लेते हैं, केक वगैरह, तो बहुत मज़े का और बहुत ज़्यादा अच्छा सा जायका होता है, बहुत फ्रेश होता है हम लोगों की चीज़ें। A few moments later. बोलो बोलो। हाज़रीन, यहाँ पर बन रहा है अंडा और हम बना रहे हैं, और यहाँ पर हलीम मौजूद है, और यहाँ बन रहा है पराठा, ठीक है। तो यहाँ पर अंडा सहरी में हम बना रहे हैं, और सहरी में इस टाइम ये तकरीबन 4 बज रहे हैं, और सहरी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हमने बर्गर भी खाया, हटाओ, और अंडा हमारा जल जाएगा जब तक हम इसको पलटते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर देखें, हमने पलट दिया अंडे को, और काफ़ी मोटा अंडा ज़बरदस्त तैयार हो गया। हलीम को हिलाओ ज़रा, देखो उबाली आ रही है, और यहाँ पराठा टूटा फूटा हो जा रही है। दिखाएं ज़रा, हटिए ज़रा, हटे नाज़रीन, ये देख सकते हैं इसकी शक्ल, और अंडा जला इसके प्लेट दो अंडे की, और ये अंडा ज़बरदस्त हो चुका है, थोड़ा सा तेल आँच करके अगला सा पका लूँ। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखें यहाँ पर हलीम भी मौजूद है, और ये छोले भी मौजूद हैं, और ये दूध का गिलास भी मौजूद है, और ये पराठा आ गया, और ये अंडा आ गया। तो अब करते हैं सहरी, और नाज़रीन मिलते हैं सहरी के बाद, और देखते हैं कि अपनी क्या सूरत हाल है। और जी, आपको कैसा लगा व्लॉग? उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगा होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। इसी के साथ जी हमको दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा जी, बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं।